सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। तो कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ मैं। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं पेडेस्टल के बारे में। और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये होता है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेडेस्टल का डायमेंशन ड्राइंग की हेल्प से किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा ड्राइंग दोस्तों, ये हमारा सेक्शन काट के दिखाया है, ये हमारा टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में आपको पेडेस्टल नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि टॉप में आपको क्या दिखेगा, ऊपर से आपको कॉलम दिख रहा है और ये फुटिंग के लिए, तो पेडेस्टल नहीं दिखता है। पेडेस्टल की जानकारी आपको दिख जाएगी अपने सेक्शन में, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे हम लोग सेक्शन रीडॉट करते हैं फॉर 10 inches by 10 inches कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक था हमारा जो रेक्टेंगल पोर्शन रहेगा वो 9 inches का था, फिर आपका ये स्लोप में जा रहा था 45 degree में, हाइट आपको मेंटेन करना था 1 feet। अब इसके बाद जब यहाँ तक आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हो, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है दोस्तों, आप वहाँ पे जाएं, पूरी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। अब बारी आती है पेडेस्टल की। तो पेडेस्टल का डायमेंशन ड्रॉइंग की आपसे कैसे चेक करें, तो सबसे पहले डेप्थ बहुत ईजी है, वो तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो पेडेस्टल का हाइट आपको मेंटेन करना है वो मेंटेन करना है 2 feet 3 inches। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है, जहाँ पे आपका स्लोप एंड होता है, मतलब 1 feet के बाद, उसके बाद जो हमारा पेडेस्टल जाने वाला है वो जाएगा दोस्तों 2 feet 3 inches, ठीक है। यहाँ पे 2 feet 3 inches है और यहाँ पे 3 feet 3 inches है फॉर 10 inches by 15 inches कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों तरफ यहाँ पे दिखा रहा है 3 inches 3 inches, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, मैंने हाइट तो मालूम कर लिया लेकिन लेंथ और ब्रेथ पेडेस्टल का कितना रखना है, और ये 3 inches 3 inches का क्या मतलब है। तो ये जो 3 inches दोनों तरफ दिखा रहा है ना, मतलब कि आपका जो भी कॉलम है ना उससे आपको दोनों तरफ 3-3 inch का एक्स्ट्रा ऑफसेट ले लेना है, ठीक है। अभी ड्राइंग को समझो, ठीक है, ये हमारा हो गया रीइंफोर्समेंट, क्लियरली आपको दिख रहा है ये हमारा रीइंफोर्समेंट है, उसके बाद ये हमारा क्लियर कवर है, और फिर यहाँ मतलब क्लियर कवर होने के बाद ये हमारा टोटल कॉलम है दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कॉलम हो गया, ठीक है। तो टोटल कॉलम का डायमेंशन कितना है, 10 inches by 10 inches। उसके बाद एक्स्ट्रा बोल रहा है कि आपको दोनों तरफ 3-3 inch का ऑफसेट लेना है, मतलब 3-3 inch दोनों तरफ आपको बढ़ा देना है, ठीक है। अभी इसको समझते हैं कि इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कॉलम है, ठीक है, अगर यहाँ पे कॉलम नहीं होता तो हमें पेडेस्टल दिखता। तो यहाँ पे तो कॉलम है 10 inches by 10 inches, लेकिन फॉर पेडेस्टल हमें बोला गया है कि 3-3 inch का ऑफसेट लेना है। तो अगर हम सपोज 3 inch का इधर भी ऑफसेट लेते हैं, 3 inch का इधर भी ऑफसेट लेते हैं, तो टोटल ऑफसेट मतलब टोटल एक्स्ट्रा हम लोग डिस्टेंस कितना कवर कर लिए, 6 inch। रेस्ट हमारा जो कॉलम था वो 10 inch का था, तो 10 plus 6 मतलब 16, ठीक है। और आपको ये चीज दोनों डायरेक्शन में करना है, डायमेंशन के लिए आपको एक बार इस तरफ का फाइंड आउट करना है, एक बार इस तरफ का फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल है तो जो इधर का डायमेंशन होगा वो इधर का ही डायमेंशन हो जाएगा, और इधर वाला दोनों अपोजिट सेक्शन जो रहेगा वो इक्वल रहता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 10 था और दोनों तरफ हम लोग 3-3 कहते थे, 16, तो पेडेस्टल का हो गया 16 by 16, मतलब ये 16 inch, ये 16 inch, ये 16 inch, ये 16 आपको एक्स्ट्रा कास्ट करना है अप टू 2 feet 3 inches, क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज अगर हो गया तो इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया, बट आप इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो भाई 10 by 15 है, तो यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ ऑफसेट कितना दे रहा है, एक्स्ट्रा कितना लेना है हमें कॉलम से, ठीक है, कॉलम फेस से। तो कॉलम फेस से आपको एक्स्ट्रा दोनों तरफ लेना है 3 inches और 3 inches, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी। तो एक्स डायरेक्शन में भी 3 और 3 6 हो जाएगा और वाई में भी 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा हमें 6 inches दोनों डायरेक्शन में एड अप कर देना, या फिर मैं बोलूं कि 6 inches आपको अपने कॉलम के जो डायमेंशन दिया हुआ उसमें इंक्रीज कर देना है, एक्स डायरेक्शन में भी या वाई डायरेक्शन में भी, क्लियर हो गया। तो जैसे यहाँ पे 10 inches by 15 inches है, तो इसमें 10 plus 6 16 inches into 15 plus 6 21, यानी कि ये हो जाएगा 16 inches by 21 inches फॉर पेडेस्टल, क्लियर हो गया। ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 21, 16 by 21 फॉर पेडेस्टल, ठीक हो गया। बस एक ही चीज ट्रिक याद रखो,
जो ऑफसेट दिया हुआ है दोनों तरफ दिया हुआ है, ठीक है, इस साइड भी कॉलम के फेस से, इस साइड भी, तो एक्स्ट्रा हो गया 3 + 3 = 6, ठीक है। उसके बाद आपको अपने कॉलम के डायमेंशन को देखना है और उसमें आपको जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था उसको एड अप कर देना है। तो यहाँ हमने 6 किया, कॉलम हमारा 10/15 है, तो पहले 10 में 6 ऐड करते हैं तो 10 + 6 हो गया 16, और फिर 15 में 6 ऐड कर देते हैं तो 15 + 6 हो गया 21। तो आपका जो डायमेंशन आता है पेडेस्टल का वो हो जाएगा 16 × 21 inches, ठीक हो गया। और हाइट तो आपको यहाँ से इजिली देखने को मिल ही जाएगा, ये 3 feet 3 inches का था, ये 2 feet 3 inches का था। तो अब इस तरीके से पेडेस्टल की ड्राइंग रीड करोगे दोस्तों, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर से कास्ट कैसे करना है, और इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी गलती भी मैं पॉइंट आउट करने वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।